प्यारे बच्चों, स्टडी जीवन में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले प्रश्नवली 1.4, इसका बेसिक देख लेते हैं। यहाँ देखिए, पहला रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक ये रहा अपना, मझला कोष्टक कैसा रहता है ऐसे घुमा दिया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए बड़ा कोष्टक ये, ठीक है। थोड़ा और देख लेते हैं, बोर्ड मार्क में बीच ब्रैकेट उससे अप मतलब का, डी से डिवीजन भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, गुणा, ए से एडिशन जोड़, एस से सबट्रैक्शन, ठीक है, सबट्रैक्शन मतलब घटाओ, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ये अपना प्रश्नावली 1.4। अब चलते हैं क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, 20 यहाँ पे हम लिखे हैं, 20 गुणा, यहाँ पे का मतलब गुणा होता है, ये अपना गुना दे दिए, 1/4। अब इसको काट दो, कितना बार में कटेगा, 5 बार में, 5 × 20। अब 5 में 1 से गुना करिएगा, 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 लिख दो, ये अपना आंसर हो गया। दूसरा देख लो, यहाँ पे का मतलब क्या होता है, गुना, तो यहाँ पे हम गुना दे दिए हैं, ठीक है, बाकी सब उसे तर उतार देंगे, ठीक, 3/50 ऐसे ही, ठीक है। सिर्फ इसको चेंज कर देंगे, इसका मतलब होता है गुना, तो यहाँ पे काट दो, 50 × 25 होता है ये, 3 × 3 = 9, अब तो आ जाएगा कितना, 5/3 यानी 5/3। अब इसके ये अपना आंसर हो गया है। अब इसका आगे देखते हैं, अब देखो यहाँ पे देखो, इस भिन्न में है तो इसको भिन्न में पहले तोड़ दो, तो 2×4 = 5, 5/2, ये अपना आ गया। अब इसको प्लॉट दो ऐसे, ये भाग में रहता है ना, तो इसको प्लॉट दिया जाता है, तभी तो गुना में बदलता है, ठीक है। तो 8/2 ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, हाँ, और ऊपर नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, आ गया। काटोगे ये 5 × 20, 4 से प्लॉट कट जाएगा, ये 2 इससे कट जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं, 1, ये अपना आंसर होगा। देखो कैसे कटेगा, ये 5 × 5 = 20 है, ये कट गया 4 बार में, 4 × 4 = 8, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 9। अब यहाँ पे देखो, फिर उसी तरह करेंगे इसको, ये तो अपना आ गया। अब इसको देखो, 12/2 इधर वाला उसी तरह लिख देते हैं, इसको बदल देंगे गुना में, ये आ जाएगा अपना 35/9। अब कटेगा कि नहीं, 3 से काटो, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, ये 7 से काटो, 7 × 5 = 35, कट गया। अब नहीं कटेगा, 5 × 20 = 3, ये अपना आंसर हो गया, ठीक। 5 नंबर देख लो, 75/18, यहाँ पे लिख लो 75/18 गुना 60/36 है, हाँ 36। अब क्या करो, काटो इसको, कितना से कटेगा, यहाँ पे 3 से काटो, 3 से काटो तो कितना बार में, 6 × 18 और 3 × 6 = 20 बार में, और फिर 3 से काटो, 3 × 6 = 25 × 75, कटेगा। अब कितना से काटो, 2 से ये 10 बार में, और कटेगा, हाँ कटेगा, 5 × 18 = 36, 5 × 10 = 18। अब गुना कर यहाँ पे, ठीक है, अब गुना कर दो, 25 × 25 = 125 होता है, गुना कर लेना, ठीक, 18, अब नहीं कटेगा ये, इतना ही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देख लो, यहाँ पे 20 × 1/4 × 1/5, यहाँ पे देखो भागा है, 1/8 + 10 = 15, तो समझ में आया, तो क्या करो, 20 × 20 लिखो, गुना, इसका मतलब गुना ही होता है, का मतलब गुना, गुना 1/4 लिखो, जो जो है उसको लिखो, गुना 1/5 है,
भाग का मतलब क्या होता है, इसको पलटोगे ना, जब इसको पलटोगे तो ये गुना में बदल जाएगा, तो क्या होगा, ये आठ ऊपर चल जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, तो एक नीचे नहीं लिखते हैं, ठीक। ये प्लस दस जैसा है वैसे उतार दो, कटा पाँच, ठीक। अब काम करो, कोई कटने वाला है, काट दो, पच्चा सॉरी पाँच चौका बीस, चार से इसको काटो, अब पाँच एकम पाँच, ये कट गया। अब एक में एक से गुना करो तो एक ही आएगा, एक नीचे से गुना करो तो क्या, एक में आठ से गुना करोगे आठ ही आएगा, बराबर आठ प्लस दस घटा पाँच, तो पहले जोड़ा जाएगा अठारह, उसके बाद पाँच घटाओ कितना आएगा, पाँच घटाओगे तो पंद्रह सॉरी तेरह, तेरह ये अपना आंसर हो जाएगा। सॉरी ये इतना आंसर नहीं है, तो ये देखो यहाँ पे गलत हो गया है, काम करो इसको काटो मत, ठीक, गुना कर दो, बीस अठे, इसको यहाँ पे साइड में कर दो, बीस अठे एक सौ साठ बट्टा पाँचों का बीस, प्लस है यहाँ पे प्लस, कटा दो तो कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे पंद्रह है, लेकर रहे आंसर नहीं आ रहा है, ये इस तरह है, यहाँ पे पंद्रह है, ठीक, तो ये पंद्रह ये सही है, काट दिए यहाँ से यहाँ, अब देखो अठारह, अठारह में से पंद्रह जाएगा तो तीन बचेगा, ठीक, ये अपना आंसर हो गया। सात नंबर देख लेते हैं, बीस घटाओ कोष्ट में है, ये देखो कोष्ट में है ना, ये माइनस, इस माइनस से इसमें गुना कर दो तो माइनस आठ आएगा, जब इसमें गुना करोगे तो माइनस आठ आएगा, इस माइनस से प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस पाँच ऐसे हो जाएगा। ये क्वेश्चन है अपने उतार लेना, हम यहाँ पे सीधे बना रहे हैं, तो यहाँ पे ठीक, अब काम कर दो इसका, बीस माइनस वाले माइनस एक तरफ जोड़ दो, आठ पन तेरह, तेरह घटा दो सात, ये अपना आंसर हो गया, आठ देखो ये अपना हो गया क्वेश्चन, ये अपना उतार लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले क्या किया जाता है, कोष्टक का काम किया जाता है, तो कोष्टक में क्या करोगे, सोलह भागा ये कोष्ट है, तो क्या करोगे, माइनस वाले को एक तरफ जोड़ दो, पंद्रह है, ठीक, जोड़ोगे कितना आएगा, माइनस इलेवन, आठ तीन ग्यारह, माइनस इलेवन ग्यारह प्लस चार, अब काम करो, सोलह भागा कितना आएगा, चार आएगा, चार आएगा, ये प्लस चार, ये चार अलग है, अब इसको गुना मतलब एक बटा चार प्लस चार, ठीक है, अब इसको काट दो, चार चौका सोलह, चार कम चार तो आएगा चार प्लस चार बराबर आठ, ये अपना आंसर हो गया, ये अपना क्वेश्चन हो गया, देख लेना यहाँ पे देखो, चौदह भागा, पहले सबसे अंदर वाला काम करेंगे, सबसे छोटा कोष्टक देखो कहाँ पे है, ये भागा उतारते जाओ यहाँ पे, ये मझिला कोष्टक है, तीन का भी उसी तरह उतार लो, का यहाँ पे टू उतार लो, यहाँ पे देखो माइनस, माइनस इस माइनस से इसमें गुना करोगे तो माइनस पाँच हो जाएगा, इसी माइनस इसमें गुना करोगे तो माइनस प्लस छः हो जाएगा, अब तो ये छोटा कोष्टक ख़त्म, अब काम करो इसका, मझिला कोष्टक लगा दो प्लस नौ, इसी में काम करेंगे, इस मझिला कोष्टक को भी ख़त्म करेंगे, चौदह भागा भाग दो ये तीन का मतलब गुना होता है, गुना बदल दो टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
क्या होगा, कितना हो जाएगा, जिसको काम करोगे तो कितना आएगा, घटा दो, एक आएगा प्लस एक प्लस नौ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चौदह भागा ऐसे गुना कर दो, गुना कर दो कितना आएगा, तीन गुना छः प्लस वन, ये कोष्ट में रहने दो, नाइन। अब देखो चौदह जोड़ दोगे कि नहीं, जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा सात, अब सात हो जाएगा यहाँ पे भाग का सात, कोष्टम खत्म, प्लस नौ। अब पलटोगे कि नहीं पलटोगे, पलटोगे एक बट्टा सात, तभी तो गुना बदल जाएगा, ये भाग में गुना बदलने के लिए पलट दो नौ, इसको काट दो सात नौ चौदह, दो प्लस नौ बराबर ग्यारह, यहाँ पे बराबर दे देना, ठीक, यहाँ से, ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। अब दस नंबर देख लो, तीस, तीस है कोष्ठक का पहले काम किया जाता है, ठीक है, उसके बाद कोई और, तो हम काम करेंगे तीस, पहले कोष्ठक में गुना करो, छप्पन छत्तीस घटा इकतीस प्लस दो, ठीक है, ये कोष्ठक को बंद करो, भाग है दो, दोनों है हाँ टू, अब क्या करोगे, तीस में से तीस जाएगा जीरो, जीरो हो जाएगा ना, घट जाएगा, तो प्लस दो बचा हुआ है, तो दो भाग है तो गुना बदलेगा एक बटा दो, ऐसे ऐसे कट जाएगा, अपना आंसर एक आ जाएगा, ठीक, ये अपना आंसर। यहाँ पे देख लो दूसरा क्वेश्चन देख लो, कोष्टकों का प्रयोग कर निम्नलिखित प्रश्नों को गणितीय रूप दीजिए, यानी गणितीय रूप दीजिए, तो ये सिंपल है, देख लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दो, ठीक है, ये अपना आ जाओ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दो, ये अपना दो, दो का यहाँ पे है पहला, यहाँ पे पहला देख लो, सिंपल है, देखो यहाँ पे पाँच और पंद्रह के योग में अठारह से भाग देना है, योग मतलब क्या होता है, जोड़, जोड़ होता है, देखो यहाँ पे पाँच, योग मतलब जोड़ होता है, प्लस पंद्रह, पंद्रह दे दो, दोनों पाँच और पंद्रह के योग अठारह से भाग देना है, यानी दोनों में क्या करना है, अठारह से भाग देना है, ये क्या चीज़ का चिन्ह है, भाग का है कि नहीं, भाग का है, तो यही इतना ही बोल रहा है, इससे ज़्यादा नहीं बोल रहा है, इतना ही आंसर हो गया ये। अब देखो दूसरा क्या बोल रहा है, कलम क्यों नहीं चल रहा है, देखो यहाँ पे उनहत्तर में चार और छः के गुणनफल से एक कम का भाग देना है, ठीक है, ये भी उसे, ये भी आसान है, देखो यहाँ पे उनहत्तर में यानी इसमें उनहत्तर में इसका गुणनफल, यहाँ पे देखो गुणनफल यानी यहाँ पे चार गुना छः एक कम यानी घटाओ एक से भाग देना है, यानी इतना ही हो गया, यहाँ पे क्या रहेगा, भाग, यह भाग का चिन्ह है, तो ये तो अपने इतना आंसर आ गया, ठीक। तीसरा देख लो यहाँ पे, तीसरा क्या बोला, राहुल ने अपने 24 पेंसिल में से चार को अपने पास रखकर शेष को अपने पांच साथियों को बराबर बराबर बांट दिया, प्रत्येक साथी को कितना पेंसिल मिली, इस देखो, देखो यहाँ पे ये भी सिंपल है, राहुल ने अपने अपनी 24 पेंसिलों में से यानी 24 को पेंसिल है राहुल के पास, उसमें से चार को अपने पास रख लिया, मतलब 24 को मान लो तुम्हारे पास 24 है, अब तुम्हारे पास 24 को है तो तुम क्या करोगे, चार को अपने पास रख लोगे तो 20 को ना बांटोगे, तो चार को तो घटा लेंगे क्योंकि 20 को में से बांटेगा,
तो इसमें से घटा लो, कितना है इसका दोस्त, इसे इसको अपने पांच साथियों के बराबर में बांट दिया, लो शेष को पाँच, यानी पाँच से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, चार, ये अपना आंसर हो जाएगा। देखो क्या बोला, पच्चीस तथा पाँच के योग से, पच्चीस तथा पाँच के योग से, यानी पच्चीस प्लस पाँच के योग से एक अधिक, लो भाई एक अधिक, इतना से 124 में भाग देना है, यानी 124 भाग, ठीक है 124 है, ठीक, ये अपना आंसर हो गया। पाँच नंबर देखो, पाँच नंबर क्या, दो तथा चार के गुणनफल से दो कम का नौ से गुणा कर गुणनफल में छः से भाग देना है, ये भी देख लो यहाँ पे, दो का गुणनफल बोला था ना, और इसमें दो कम, ठीक, इसको कोष्ट में कर लो, इसमें बोल रहा है नौ से गुणा, अब इसको कोष्ट में कर लो, मंजिला को बड़ा कोष्ट है ये, ठीक है, इतना सिक्स है, यहाँ पे देखो सिक्स से भाग देना है, इन सब में सिक्स से भाग देना है, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।